समाचार टुडे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना खास कार्यक्रम सीधा सवाल लेकर, सीधा सवाल में हम जानने की कोशिश करते हैं सीधे सीधे सवालों के जवाब। और आज जो सीधा सवाल में मुद्दा है आरक्षण। जी हाँ, इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और जाट आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर है। हरियाणा में धरना देना शुरू कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भी जाट आरक्षण को लेकर सड़कों पर है। मांग की जा रही है कि बीजेपी सरकार उन्हें आरक्षण दे, क्योंकि जो वादा बीजेपी की तरफ से उन्हें किया गया था, केंद्र की तरफ से उन्हें किया गया था, वो वादा पूरा नहीं किया गया है। सीधा सवाल में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आरक्षण की जरूरत जाटों को क्यों है, वो कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर जाट आरक्षण के लिए सड़कों पर है। और साथ ही साथ इस तमाम मुद्दे पर भी बात करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस रिपोर्ट के बाद। आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज पानीपत में धरने पर बैठा हुआ है। आरक्षण की ये हवा छठे दिन अब उग्राखेड़ी के चौपाल में प्रवेश कर गया। धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं में सरकार के प्रति नाराजगी भी दिखी। साथ ही जाट संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव रणधीर सिंह नैन ने प्रशासन द्वारा धरने के लिए गाँव के स्टेडियम के पास जगह न दिए जाने में रोष प्रकट किया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सरकार धरने के लिए जमीन न देकर ठीक नहीं कर रही है, इससे हालत बिगड़ने के लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। वहीं जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बल के साथ साथ गांव के बाहर व शहर में जगह जगह पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति की पहली मांग है, जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं उनको जो है उनके घर से एक आदमी को नौकरी मिले। दूसरा, जो हमारे बच्चे घायल हुए हैं 360 के करीब, उनको कंपनसेट करे सरकार। तीसरा, जो हमारे 79 बच्चे जेलों में बंद हैं उनको तुरंत रिहा करे। चौथा, जो हमारे जो ऊपर मुकदमे जो है वो किए हुए हैं वो उनको जो वापस ले, जो 2186 जो FIR है उनके अंदर 25,000 के करीब लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे हैं, उनको सरकार तुरंत प्रभाव से जो है विड्रा करे। पाँचवा ये और है कि हमारे सेंटर में 9 शेड्यूल में डाल करके 6 जाति जो हमारी है, जाट है, जाट सिख है, मुड़े जाट है, त्यागी हैं, बिश्नोई हैं और रोड बरादरी है, उन सभी को 9 शेड्यूल में डाल करके OBC में जल्दी से जल्दी हमारे को सेंटर में आरक्षण दे। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि आज जाट आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें चाहिए आरक्षण, वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें आरक्षण दे। हरियाणा में आरक्षण की मांग कर रहे जाटों को अब उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण चाहिए और देश भर में आरक्षण की मांग जाट कर रहे हैं। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति लगातार मांग कर रही है और जाटों ने अपना धरना देना शुरू कर दिया है। अर्धसैनिक बल तैयार है, प्रशासन मुस्तैद है, किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो इसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। सवाल है कि आखिरकार आरक्षण किसको मिलना चाहिए और किस आधार पर मिलना चाहिए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर स्टूडियो में बात कर रहे हैं। प्रमोद अहलावत हमारे साथ हैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति से। अशोक बालियान जी किसान नेता हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। बीजेपी से संजय अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद अहलावत जी, आपके पास आऊंगा, कौन सा आरक्षण और किस तरीके का आरक्षण आप लोग मांग रहे हैं और क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी जो मांग है जाट आरक्षण को लेके, क्योंकि हरियाणा में पहले से आरक्षण था, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई उन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया। वहाँ और अदर्स बिरादरियाँ हैं जो जिनको आरक्षण की जरूरत है, उन्हें ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, हमें भी मिला हुआ था, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई इन्होंने एंटी जाट का काम किया है, एंटी जाट ये सारी इनकी सोच है, तो उसमें हमारा आरक्षण इन्होंने हरियाणा में खत्म किया। नहीं, आप इसे प्रबोध जी, आप इसे एंटी जाट कैसे कह सकते हैं? अगर सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, कोई कदम उठा रही है, शायद कोई ऐसा हो सकता है कि सबको बराबर लेवल में करने के लिए उठा रही है कोई कदम? नहीं, आरक्षण तो खाली इन्होंने जाट का खत्म किया, हरियाणा में और कास्ट है उनको आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है। सेंट्रल में हमें आरक्षण था, कांग्रेस सरकार ने हमें आरक्षण दिया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने वो खत्म कर दिया हमारा आरक्षण, तो इससे सीधी सीधी यही जा रहा है कि ये एंटी जाट गवर्नमेंट है। प्रमोद जी, मैं देखता हूँ, अगर मैं जाटों को डिफाइन करूँ किसी तरीके से, तो मैं देखता हूँ कि जाट संपन्न होते हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना जो है, मेरा निजी मत है, मेरा निजी मत कहता है कि आरक्षण लोगों को आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलना चाहिए, ना कि जाति धर्म और लिंग के आधार पर। आप बताइए अशोक बालियान जी, आप कैसे देखते हैं, क्या जाटों को वाकई में आरक्षण की जरूरत है या फिर खामखा का, पिछली बार हमने देखा था हरियाणा में बवाल हुआ था, इस बार फिर वही उसी तरीके का कुछ होने की तैयारी चल रही है क्या? देखिए नकुल जी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण का संविधान में क्यों प्रयोजन किया गया था।
दो क्लोज ऐसे थे संविधान में हैं कि सेक्शन 15(4) है जिसमें एससी और एसटी के लिए सरकार आरक्षण दे सकती है। एक क्लोज है सेक्शन 16(4) जिसमें समाज में अन्य पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण दे सकती है। उसी के तहत जो है मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट आई, 90 के दशक में वीपी सिंह जी की सरकार थी जब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। उस वक्त में मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आरक्षण के लिए जो मापदंड थे जाट कम्युनिटी उनको पूरा करती थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से उस वक्त जाट को वंचित कर दिया गया था। तब से ही वो डिमांड चलती रही। संपन्नता अलग चीज़ है, नौकरी में रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए उसकी सामाजिक अन्य जातियों की तुलना में, जो क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों और विभिन्न समाज में बटा हुआ एक देश है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी फैमिलीज की महिलाएं खेत में काम करती हैं नहीं करती हैं, बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो जिन पर अन्य किसान जातियों के साथ ही जाट भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का हकदार है। चलिए आरक्षण का हकदार है, मानते हैं जाट को आरक्षण मिलना चाहिए। संजय अग्रवाल जी ये बताइए, वादा आप लोगों ने, अमित शाह जी ने खुद वादा किया था जाटों से कि भैया आरक्षण आपको दे देंगे, लेकिन क्यों नहीं? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त जी ने जाटों को आरक्षण देने का काम किया, और जबकि जाटों ने कोई उसके लिए डिमांड नहीं की थी, कोई आंदोलन नहीं किया था, लेकिन चूंकि हमारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग ये मानते थे कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, मेहनत का कौम है, मेहनत करती है, उन लोगों को हमने आरक्षण देने का काम किया। हाँ संजय जी, आप ये जी मुझे मेहनत तो सबको मिलना चाहिए, मेहनत मैं जी करता हूं, जी आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, वो पिछड़े वो पिछड़े हुए थे, पिछड़े पिछड़ों के आधार पे, पिछड़े किस आधार पर? अभी अशोक बालियान जी जिक्र कर रहे थे कि संविधान में ऐसा कुछ है कि भाई पिछड़ों के उन्हें लेवल में लाने के लिए आरक्षण आपको देना, जी लेकिन अगर बताइए ना किस चीज की जरूरत है? आप मेहनत करते हैं, आपको कमाना है, आपको कहां कहां आरक्षण चाहिए, मुझे समझ नहीं आता आरक्षण का मतलब क्या है। नहीं, आप समझिए, मेहनत सब लोग करते हैं, जब वैश्य समाज है, मैं खुद वैश्य बिरादरी से हूँ, हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन हम पिछड़े में नहीं आते, गरीबी के आधार पे और किसी आधार पे हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, हमने कभी आरक्षण नहीं मांगा। ऐसे ब्राह्मण समाज है, उन्होंने कभी आरक्षण नहीं मांगा, हमें लगा कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, जाटों को आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने सन 2000 में किया था। हम जाटों के प्रति और पिछड़े वर्ग के प्रति, सभी जो वीकर सेक्शन है उनके प्रति हम लोग संवेदनशील हैं, इसलिए हमने जाटों को आरक्षण देने का काम किया था। मुकुल जी, इस पर हम इस पर कुछ, क्योंकि हम यहाँ केवल ये नहीं कि हम एक ही पहलू पर, हमें कानूनी इसके रूप भी देखने पड़ते हैं। वीपी सिंह सरकार के बाद में जब देश में पीवी नरसिंह राव की सरकार आई, तब उन्होंने 10% आरक्षण सेक्शन 16(4) में उच्च जाति के गरीब लोगों को भी दिया था, और वो केस और आरक्षण जो वीपी सिंह जी ने दिया था मंडल कमीशन में, जिसको जाट को बाहर रखा गया था राजनीतिक कारणों से, वे सारे केस सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 93 में एक बहुत बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, इंदिरा सानी के नाम से कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया गया, ये बिल्कुल ठीक आरक्षण है, जो समाज में शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊंच जाति को आरक्षण को हम मना नहीं करते, लेकिन उनको सेक्शन 16(4) में नहीं दिया जा सकता, उनके लिए सेक्शन 16(1) में उपबंध है, सरकार उसमें दे। ये दुर्भाग्य है कि आज तक कभी भी 93 के बाद में इस देश में किसी भी सरकार ने उच्च जाति के गरीब लोगों के लिए सेक्शन 16(1) में आरक्षण देने के लिए कोई बंद नहीं किया है। बिल्कुल अशोक जी, जायज सवाल यही है कि अगर हम गरीबों की बात करें तो गरीब का हमें नहीं पता होता वो कौन है, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो जाट है, वो गुज्जर है, वो कौन मुसलमान है, वो कौन है, हम नहीं समझते, क्या उनके लिए आरक्षण की मांग नहीं की जा सकती? है सड़कों पर बेचारा गरीब बैठा हुआ है, उसे सबसे ज्यादा आरक्षण की जरूरत है। प्रभु दलाल जी, आपकी मांगे मैं जानना चाहूंगा, क्या कुछ मांगे हैं जाटों की जो आप मांग रहे हैं सरकार से? हमारी मांगे ये हैं कि अदर स्टेट में देखो, हरियाणा में दूसरी जो और कास्ट है उनको आरक्षण है, यूपी में हर जो और कास्ट है उनको आरक्षण है, राजस्थान में अलग 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 कंडीशन है। हम ये कह रहे हैं वहाँ उनकी जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो उनकी फाइनेंशियल स्थिति है, जब उन लोगों को आरक्षण है, उन्हीं में हम लोग भी हैं, हम उन्हीं के साथ साथ अभी आज आपने राजकुमार सैनी जी का बयान सुना होगा हरियाणा में, उन्होंने कहा कि हम सैनी समाज के लिए भी आरक्षण की मांग करते हैं, हम सैनी समाज के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं उन्हें भी आरक्षण मिले जो उस दायरे में है। नहीं नहीं नहीं, जो उस दायरे में आ रहा है, जो जो सेक्शन की जो धारा है उनके अकॉर्डिंग जो आ रहा है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। धारा तो आप जाति के आधार पर बना दी गई ना, लेकिन अगर हम गरीबी के आधार पर धारा बना दे तो शायद नहीं, जाति के आधार पर किसने बनाई है धाराएं? हमारा आप धाराएं बनाने वाली नहीं, धाराएं बनाने वाली गवर्नमेंट बैठी है।
आप बताइए क्या जाटों को वाकई में आरक्षण की जरूरत? हाँ बिल्कुल जरूरत है, किस चीज के लिए जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। अब आप देखो अभी हरियाणा में देखो आप अगर आरक्षण मांगेंगे तो तमाम और वर्ग है वो भी आगे आएंगे, जैसे भी आपने जिक्र किया सैनियों का, फिर और समाज भी आगे आएगा जी हमें नहीं नहीं चाहिए, आप सारे के सारे आरक्षण ही लेकर बैठ जाओ फिर। हम नहीं, हम दूसरी चीज कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो उस दायरे में आ रहा है, कमीशन की रिपोर्ट हमारे फेवर में है, सरकार ने वहां सुप्रीम कोर्ट में हमारी पैर भी नहीं की, इस वजह से हमारा सेंट्रल में आरक्षण 13 महीने सेंट्रल में हमें आरक्षण मिला है। अब उन 13 महीनों का आप डेटा निकाल के देखो कितने कितने जाट बिरादरी के जो उम्मीदवार उनको उनको नौकरी मिली है। हमारा कहना यह है जब जिस स्टेट में हमारी राजनाथ सिंह से भी बात हुई थी, हमारी अमित शाह से भी हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये कहा था 2017 का जो इलेक्शन आएगा उससे पहले पहले हम आपको आरक्षण देंगे। उसमें मेरे बड़े भाई उसमें मेरे बड़े अशोक बालियान जी भी हमारे साथ थे जब राजनाथ सिंह से हमारी बात हुई थी। कहाँ है वो वादा? आज तक तो कुछ उस पर है नहीं, वादा तोड़ा गया बिल्कुल। मैं इस बात को जायज मानता हूँ कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो आपको कहना बेकार है, आप मत कहिए, वो धोखे में मत रखिए किसी को। देश का इस देश का प्रधानमंत्री हमसे कमेंट कर रहा है, जब इस देश का प्रधानमंत्री अपनी बात से हट जाएगा पीछे तो फिर यहाँ बचा ही क्या है ये बताओ। हमारे वहां निर्दोष बच्चों पे गोलियां चलाई जा रही है, कश्मीर में जो है आतंकवादी बुरान मर रहा है, उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जा रही है, हमारे परिवार को वहां एक उनको बैलेट गन लगा रहे हैं, हमारे यहाँ बुलेट गन चला रहे हैं जी। क्या हम इतने बड़े आतंकवादी मान लिए इन्होंने? क्या हमने वोट नहीं दिया वहां हरियाणा में इनको? आरक्षण की मांग को लेकर हुड़दंग मचाया गया ना इसी? नहीं, हुड़दंग कुछ असामाजिक तत्व थे, हुड़दंग देखो पुलिस काम कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी, हमारा आंदोलन एक सुनो मेरी बात, जब आंदोलन शांति से चल रहा था मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई दिक्कत करी होगी पुलिस या प्रशासन। हाँ नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, जब उसमें बीजेपी ने अपने असामाजिक तत्व बांट दिए, राजकुमार सैनी ओबीसी ब्रिगेड बना के उसके अंदर घुसा दिए, उन लोगों ने तोड़फोड़ करी, सबसे ज्यादा नुकसान हमारी कास्ट को है, मरे हम, प्रतिष्ठान हमारे जले और पिछड़े हम। चलिए चलिए प्रमोद जी आप ये बताइए आप कौन कौन से सेक्टर्स में आरक्षण चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कहां कहां तक आपको आरक्षण दिया? नहीं नहीं हमारा अभी सेंट्रल में आरक्षण था हमारा, किस बेस पे तो इन्होंने वो हमसे वापस ले लिया, ये तो ये बताएंगे ना। हमारी तो डिमांड है, हमारी ये डिमांड है जिस स्टेट में जिस कास्ट को आरक्षण है। हमने तो ये भी कहा था राजनाथ सिंह से अमित शाह से, उन्होंने कहा था इसका फार्मूला बताओ, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक जी उन्होंने कहा था कि जिस स्टेट में जिस कास्ट को आरक्षण है वही सेंट्रल में दे दी जा। चलिए अशोक बालियान जी आप भी इसके बारे में जानते होंगे, जाटों से आपके ताल्लुक रखते हैं, किसान नेता हैं, अशोक बालियान जी कहां-कहां आरक्षण दिए जाते हैं, कहां-कहां आरक्षण की जरूरत है, क्या चाहते हैं? देखिए नकुल जी, बहुत सारे स्टेट में जाटों को आरक्षण मिला हुआ था जी, बहुत सारे स्टेट में सुप्रीम कोर्ट में जो अभी 2015 का जजमेंट आता इससे पहले आरक्षण मिला, जिन स्टेट में सेंटर में रह गया था उन स्टेट में सेंटर में मिला था, उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट थी राम प्रसाद जी के वक्त में जब यहाँ मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में फिर मैं वापस उसके कानूनी पहलू पाऊंगा, उसने ये कहा था कि दो कमीशन होंगे, एक स्टेट में रिप्रेजेंटेशन और सोशल स्टेटस को देखेगा, एक सेंटर में उसके नौकरियों में उसका रिप्रेजेंटेशन और सोशल स्टेटस को देखेगा, तो इसलिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि जाट को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं इस चैनल पे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया है, हमें ये चीज समझनी हो, क्योंकि हम एक टीवी चैनल के सामने बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया है, हाँ किसी सरकार ने कैंसिल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के मोर्चे के उनको हटा दिया क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से, हमें न्यायालय ने कभी ये नहीं कहा कि जाट को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसने कहा है कि जो रास्ता है राम प्रसाद जी के वक्त का आरक्षण हमारा सुप्रीम कोर्ट तक क्यों बचा, आपके ध्यान होगा सभी के जो पॉलिटिकल लोग हैं कि राम प्रसाद जी के वक्त में एक कमेटी बन गई थी, हुकम सिंह जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करके उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि जाट मंडल कमीशन की रिपोर्ट में था उसका नौकरी में उत्तर प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन कम है, उसका सोशल स्टेटस अन्य आरक्षण प्राप्त जातियों में उसका सोशल स्टेटस उनके जैसा ही, अर्थात यादव जैसा, सैनी जैसा, माली जैसा, कुम्हार जैसा, जिन जिन जातियों को भी मिला हुआ था, और भारत की बहुत सारी जातियां आरक्षण में कवरेज है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे लोगों की डिमांड से, केवल इस देश में जो एग्रीकल्चर खेती से संबंधित जातियां नहीं है रुचि जाती हैं उनके ही गरीब लोगों को आरक्षण की दरकार, बाकी तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ धर्म एक और नकुल जी मैं बात कहना चाहता हूँ, धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं है संविधान में, केवल जातियों के आधार में है। तो इसके बाद जब हमारी दिल्ली बात हुई थी, मैं ये भी और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ,
बहुत सारे संगठन है, हम किसी संगठन पर ये नहीं कहते कि उसका मत कैसा है, लेकिन हमारा ये मत था उस वक्त भी कि हमें आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लीगल रास्ते से मिलना चाहिए, अर्थात कोई कमेटी या कोई कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ओबीसी कमीशन है सेंटर का या स्टेट का, उसके आधार पर मिलना चाहिए। हरियाणा में जरूर मैं एक बात कहूंगा कि वहां पूर्व सरकारों ने भी हमारे साथ अन्याय किया है, बहुत पहले वहां गुरनाम सिंह आयोग की एक रिपोर्ट में जाट आरक्षण का हकदार माना गया था, उसके बाद में फिर उस रिपोर्ट पर आरक्षण को नहीं किया गया, जो उस वक्त में वहां की मौजूदा सरकार थी, मैं नाम दे लेता कि सरकार का जो दिया था वो बगैर रिपोर्ट के आधार पर दिया था, और इसीलिए हमारा दोबारा फिर मंत्रिमंडल ने किया वहां पर मौजूदा सरकार ने, मैं उसके निजी पक्ष में नहीं था इस बात के लिए कि बगैर किसी रिपोर्ट के हमें आरक्षण दिया जाए, हमारा हक बनता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर ही अपना आरक्षण चाहिए। संजय जी, जाटों की एक मांग और है कि जो हरियाणा में जब आंदोलन हुआ था जाटों का, तो उस दौरान कई लोगों की मौत हुई थी और सरकार ने वादा किया था कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकार ने वो भी वादा पूरा जी। ऐसा है, जब हरियाणा का ये मामला हुआ तो हमारे सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी ने व्यक्तिगत रूप से उस मामले में रुचि ली थी। डॉक्टर संजीव बालियान जी ने स्पष्ट रूप से बार बार कहा था, आप सब चैनलों के माध्यम से भी वो बात दिखाई गई थी कि जाटों के साथ पूरा न्याय होगा, मैं जाटों की लड़ाई लड़ूंगा। संजीव बालियान जी लगातार हमारे मंत्री जी जाटों की लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, और अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो जाँच पूरी होगी, जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है, निश्चित तौर पर डॉक्टर संजीव बालियान जी और हम सब लोग उनकी उस नुकसान की भरपाई करने का काम करेंगे। चलिए, उम्मीद है भरपाई होगी। प्रमोद जी, आप ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए आरक्षण का जो मुद्दा इस वक्त इलेक्शन के वक्त उठाया गया कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को ब्लैकमेल किया जा सके, चुनाव का वक्त है, बीजेपी दबाव में होगी तो शायद हाँ कर देगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है नकुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, कमेंटमेंट हम कमेंटमेंट करें, कोई आम आदमी कमेंटमेंट करे, उसमें फर्क है। एक सरकार, हमारे गृहमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री वो कमेंटमेंट करें कि आपको 2017 के इलेक्शन से पहले पहले आरक्षण देंगे। राजनाथ सिंह जी ने कहा था, मैंने यूपी चलाई है, आपको मुझ पे विश्वास है? हमने कहा जी आप पे विश्वास है, क्योंकि आपकी जुबान पे आपने यूपी चलाई, हमने आपको देखा है। कहाँ है आज? हरियाणा में इन्होंने कहा था जो लड़के शहीद हुए हैं उनके परिवार को नौकरी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। 2245 लड़के यूथ आज जेलों में है, वहां पे उनका पूरा कैरियर खत्म कर दिया गया। आज तक तो कोई नहीं, किसी ने हेल्प नहीं करी वहां की। कोई सरकार का कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो डॉक्टर संजीव बालियान हो, कोई भी हो, हमारी कोई वहां सुनने वाला नहीं है। क्या इतने बड़े गुनाहगार हैं हम? एक आतंकवादी को तो वहां उसको मुआवजा दिया जा रहा, उसको उसकी मदद की जा रही, और यहां पे हमारे साथ गोली चला रही, हम इतने बड़े गुनाहगार हैं? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हाँ भाई अब अंदर खाने डीलिंग हो जाएगी, इलेक्शन है तो मान मनोबल हो जाएगा, जाट आरक्षण आंदोलन खत्म कर देंगे, फिर शांत बैठ जाएंगे? देखो नकुल जी, लड़ाई सड़कों पे पड़े हैं, वहाँ ठंड है, बरसात है, सब चीज है, ये किसी को शौक नहीं है कि अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के वहाँ कोई रोड पे आके पड़े। हमारी विपदा है, हम परेशान है, हमसे वादा किया गया, वादे से मुकरी है सरकार, इसलिए रोड पे आना पड़ा। चलिए, सरकार ने वादा पूरा नहीं किया और जाटों को आरक्षण चाहिए, जाट आरक्षण संघर्ष समिति या फिर भारतीय मांग कर रही है कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। जाट आरक्षण के कितने हकदार हैं, इसकी तमाम मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं। वाकई में क्या आरक्षण सिर्फ जाति का आधार पर मिलना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।